हेलो एवरीवन, तो आज हम मैं सचिन उपस्थित हूँ आप सभी के सामने जीएस सीरीज का अपना पांचवा लेक्चर जिसका नाम जो सब्जेक्ट कौन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है भाई, हिस्ट्री से, और इसका नाम है गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया पार्ट टू। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो चौथा लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय बेलेजली तक पढ़ लिए थे, लॉर्ड बेलेजली, है ना, 1805 तक। 1805 के बाद जो जो गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय आए और उनके उनके टाइम में कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए, कौन से इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए। वॉर्स युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द कॉलम में अक्सर पूछता है किस गवर्नर जनरल के समय कौन सा युद्ध हुआ। तो आज हम इस पांचवें लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये लगातार जीएस की हमारी सीरीज लगातार आपके साथ जारी है। हर टॉपिक को टच करना है, हर जीएस के सब्जेक्ट को टच करना है और जीएस का रामबाण इलाज करेंगे आपका। जीएस में किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए जल्दी से जल्दी अपनी इस जीएस की क्लासेस को और तेज़ी से अपलोड कर सकें जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के इश्यूज और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल है, एसएससी और बंडे एग्जाम्स की अपडेट के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल हैं, हजारों मॉक टेस्ट आपको आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जिसको जाकर आप फ़ायदा ले सकते हैं। ऑफिसर्स बैच हमारा चल रहा है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, साथ ही साथ इसमें बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टारगेट ग्रुप स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। इस बैच में ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैच भी चल रहे हैं, शुभम सर का द्रोणाचार्य बैच इसमें, इसके अलावा जीएस का बैच, साथ ही साथ रीजनिंग का बैच, इंग्लिश का बैच, ये सब अलग, ये सारी प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ हम ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड सारे सब्जेक्ट की ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ये सारी हमारी प्लेलिस्ट है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में लॉर्ड बेलेजली तक पढ़ लिया था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, है ना, 1805 तक रहा था, 1799 से 1805 तक रहा था, हमने इसको डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1798 से 1805, है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1798 से 1805। 1805 के बाद आएगा जॉर्ज वॉर्लो, अगला वाइस जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, जॉर्ज वॉर्लो, और इसके समय क्या होगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, बहुत फेमस विद्रोह है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिपाही म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर 1806 में होगा इस गवर्नर जनरल के टाइम में। इसके बाद आएगा लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, और 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, क्योंकि लॉर्ड मिंटो सेकंड भी आएगा उसके बाद, ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, ध्यान रखना है। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। महाराजा रणजीत सिंह आपने सुना होगा, पंजाब के शेर कहा जाता था इन्हें, है ना, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि साइन करेंगे 1809 में अंग्रेज, जिसमें कहेंगे कि जो ब्यास नदी है पंजाब में, अंग्रेजों ने ये मान लिया, इस अंग्रेजों ने एक प्रकार से इस संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था कि भैया हम ब्यास नदी से पश्चिम की ओर नहीं बढ़ेंगे, अंग्रेज ब्यास नदी से पूरब की ओर ही रहेंगे, ब्यास नदी से पूरा पश्चिम का, ब्यास नदी से पश्चिम का पूरा पाकिस्तान तक पूरा जो था लाहौर और जो है पंजाब लाहौर, ये सब एरिया महाराजा रणजीत सिंह के शासन वाला एरिया होगा, जो इस बात को अंग्रेजों ने इस संधि में मान लिया। इस संधि का नाम है ट्रिटी ऑफ अमृतसर, बहुत फेमस है, किसके बीच, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, कब, 1809 में। अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा 1813 से 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में क्या होगा, पहला एंग्लो नेपाल वॉर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16,
और इसके बाद सुगौली की संधि कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816, और इस ट्रीटी के द्वारा नेपाल में एक ब्रिटिश अधिकारी को क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा, एक प्रकार से इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के लिए। उस समय नेपाल का शासक था, तो नेपाल के शासक और अंग्रेजों के बीच होगी, लॉर्ड हेस्टिंग के बीच ये संधि होगी, और नेपाल में एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इस संधि में, मान लेगी नेपाल के शासक की सरकार, और इस तरीके से वहाँ पर एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति कर दी जाएगी। अगला इसी के टाइम में होगा थर्ड एंगल मराठा वॉर 1816 से 1819, और इस एंगल मराठा वॉर के बाद मराठों की हार हो जाएगी, और मराठा शासन पे शासक जो मराठा साम्राज्य था वो भी अंग्रेज उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ये आखिरी वॉर था, ये लास्ट वॉर था मराठों का अंग्रेजों के अगेंस्ट, थर्ड एंगल मराठा युद्ध। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था इसके टाइम में शुरू होगी, और 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू होगी। ये दोनों व्यवस्थाएं किससे संबंधित हैं भैया, एग्रीकल्चर से। जैसे हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस ने शुरू की थी क्या, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमींदारों को सारे अधिकार दे दिए गए थे, किसानों को भूमिहीन बना दिया गया था। तो दूसरी व्यवस्था रैयत, रैयत कहते हैं किसको, किसान को। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की गई लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत मतलब किसान एग्रीकल्चर कर रहा है, कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, और उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है अंग्रेजों से, मतलब सीधे वही क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर का रेवेन्यू पे कर रहा है, राजस्व को भुगतान कर रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था, महल मतलब गांव, तो गांव का जो सरपंच होता था उसको नॉमिनेट कर दिया था अंग्रेजों ने कि तुम इनसे किसानों से कलेक्ट करोगे एग्रीकल्चर का जो लगान है, जो वसूली है एग्रीकल्चर की, रेवेन्यू है, और उसको अंग्रेजों के पास जमा करोगे। तो महल वाली व्यवस्था में महल का जो गांव का सरपंच होता था उसको एक मीडिएटर के रूप में अंग्रेजों ने अथॉरिटी दे दी थी। लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में भूमि किसके पास थी, किसान के पास, जबकि कॉर्नवालिस की परमानेंट सेटलमेंट में भूमि पूरी जमींदार के पास चली गई थी, किसान वहाँ पर भूमिहीन हो गया था। इसी के समय पर टिनेंसी एक्ट आएगा 1822 का, कहाँ पर, बंगाल में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया टिनेंसी एक्ट बंगाल में कब आया, लागू किया गया 1862 में, इसी के टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, और इसके टाइम में पहला एंग्लो वर्मीज वॉर होगा, बर्मा मतलब म्यांमार, एंग्लो म्यांमार वॉर होगा, और इस वॉर के बाद यांदबू की ट्रीटी होगी 1826 में। कुछ ट्रीटी बहुत बार पूछी हुई है, यांदबू की ट्रीटी किस वॉर से संबंधित है, कब साइन की गई, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के टाइम में साइन की गई। अगला इसी के समय 1824 में बैरकपुर मतलब पश्चिम बंगाल में सैन्य विद्रोह होगा, सिपाही वहां पे विद्रोह करेंगे ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट। और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ भरतपुर 1823 में, भरतपुर जो राज्य था उसको, भरतपुर जो रियासत थी उस पर कंट्रोल कर लेगी ब्रिटिश कंपनी 1823 में, क्लियर है। अगला लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्यों क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसके समय 1800, इसका समय है 1828 से 1835, सती प्रथा इसी ने खत्म, किसी के टाइम में खत्म हुई, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से खत्म हुई सती प्रथा, क्लियर है। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, और इस चार्टर एक्ट की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन सा एक्ट, 1833। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, कि केवल भारत में अंग्रेज शासन ने कहा, अंग्रेज जो सरकार थी ब्रिटिश, अंग्रेज इंग्लैंड में जो सरकार थी उसने कहा कि कंपनी का काम अब केवल शासन करना होगा,
व्यापार वहां पर कोई भी अंग्रेजों की कंपनी कर सकती है। मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार थे, मोनोपोली थी उसकी, अकेले को उसको अधिकार मिले हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ओपन कर दिया था, फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना ली थी। कौन सी पॉलिसी? मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता था। अंग्रेजों ने ये अपनाई और कहा कि अब कंपनी का काम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम केवल भारत पर शासन करना होगा। इस तरीके से व्यापारी के एकाधिकार खत्म हो गए। 1829 में सती प्रथा खत्म कर दी जाएगी, कानून बना दिया जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। 1830 में कर्नल स्लीमैन, याद रखना है, ये ठगी प्रथा को खत्म करेंगे इसके टाइम में। इसी के टाइम में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 1834 में इसी विलियम बेंटिक के टाइम में पहला लॉ कमीशन आएगा, विधि आयोग आएगा, जिसका अध्यक्ष होगा कौन? लॉर्ड मैकाले। मैकाले कमीशन भी कहते हैं, भारत का पहला विधि आयोग, जिसने, विधि आयोग का पर्पस था भारत में कानूनों का निर्माण करना, संहिता का निर्माण करना, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। और इसी कमीशन की सिफारिश पर जो आईपीसी अभी भी भारत में लागू है, आईपीसी 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, ये बनाई किस कमीशन ने थी? मैकाले कमीशन ने थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आज के टाइम में भारतीय दंड संहिता है, ये अंग्रेजों के टाइम की संहिता है 1860 की, जिसको लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पे तैयार किया था। अगला, एक नई प्रेसिडेंसी बनाई जाएगी 1834 में, आगरा प्रेसिडेंसी। ये क्वेश्चन पूछा गया, कब बनाई गई? नेक्स्ट, कुप प्रशासन के आधार पर किसको, है ना, कुप प्रशासन के आधार पर मैसूर राज्य को 1831 में, और उसके बाद कुर्ग को, और उसके बाद कछार को, इन रियासतों को इस विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया, पूर्णतः विलय कर लिया। जबकि बेले जली क्या करके गया था? मैसूर से सहायक संधि करके गया था, सब्सिडरी अलायंस करके गया था। अब यह पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा कि भैया आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पा रहे हो। इसके बाद आएगा लॉर्ड मेटकॉफ, क्लियर है? लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, फादर ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। प्रेस सेंसरशिप को इसने खत्म कर दिया, जो बेले जली ने लगाई थी, लॉर्ड बेले जली ने, और इसको इसने, लॉर्ड मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42, और इसके समय में होगा क्या? आंगल अफगान वॉर 1839 से 42, क्लियर है? अच्छा, अफगान के संबंध में अपनाई गई पॉलिसी का नाम होता है, कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड पॉलिसी, याद रखना है, फॉरवर्ड पॉलिसी अफगान के संबंध में। तो इसके टाइम में पहला अफगान वॉर होगा, एंगल अफगान वॉर 1839 से 42 में। शेरशाह सूरी जो रोड है, जो पेशावर पाकिस्तान से कलकत्ता तक आता था, जिसको आज के टाइम में इसी ने नाम बदल के कर दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, किसने किया है? ऑकलैंड ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला, 1838 में ऑकलैंड और रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अफगान शासक शाह सुजा के बीच में एक ट्राइलेटरल, क्लियर है, एक ट्राई पार्टी संधि होगी, ट्रिटी होगी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में। नेक्स्ट, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 के बीच में, इन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता है, बहुत जल्दबाजी में, बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो जल्दबाजी में है। सिंध का इन्होंने भारत में, मतलब ब्रिटिश इंडिया में विलय कर लिया 1843 में। दास प्रथा इन्होंने खत्म कर दी, लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में। देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के लिए इन्होंने थॉम्सन योजना बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के लिए थॉम्सन योजना बनाई, क्लियर है? अगला, लॉर्ड हार्डिंग, नाम है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। प्रथम आंगल सिख युद्ध होगा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ पहला युद्ध होगा अंग्रेजों का, और इस युद्ध के बाद संधि होगी जिसका नाम है लाहौर की संधि 1846। अगला, खोंड ट्राइब, ट्राइब का नाम है खोंड, खोंड ट्राइब में नरवली प्रथा थी, उसकी समाप्ति होगी
और तीसरा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाएगी ब्रिटिश इंडिया की सरकार लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, है ना। फीमेल जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर रोक लगाई जाएगी। अगला लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा आपने, हड़प नीति, थ्योरी ऑफ लैप्स। इसके टाइम में द्वितीय आंगल सिख वॉर होगा 1848-49, और ये द्वितीय आंगल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश इंडिया में ये डलहौजी क्या कर लेगा, विलय कर लेगा, ब्रिटिश शासन में विलय कर लेगा। सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर होगा इसके टाइम में 1851-52 में, और पेगू का लोअर बर्मा और पेगू पर कंट्रोल कर लेंगे ये अंग्रेज। और इम्पॉर्टेंट है बुड डिस्पैच आया, जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कॉमा लगा लेना यहाँ पे। दूसरा क्या है? थ्योरी ऑफ, क्लियर है? ये थोड़ा सा दो चीजों को मिक्स हो गया है, इसको हटा दो। मैंने थ्योरी ऑफ लैप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां लिखवा दिया है। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसको हटा देते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, क्लियर है। इसके टाइम में 1853 में पहली ट्रेन चलाएगी, कहां से? बॉम्बे से ठाणे के बीच में, बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाएगी। इसी के टाइम में पहला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू आपको पता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के टाइम में की गई। इसी के टाइम में इंडिया के पोर्ट्स को ओपन कर दिया गया विदेशी व्यापार के लिए, क्लियर है। अगला सिक्किम का भारत में इसके टाइम में विलय हुआ, इसने शिमला को उस समय ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। इसने सैन्य विभाग को पब्लिक डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, सार्वजनिक विभाग से अलग कर दिया। और इसने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, पत्र संचार के लिए पहली लाइन इसके टाइम में पड़ी, जो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच थी, क्लियर है। कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, जो डाक विभाग होता है ना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्लियर है। तो ये हमने डलहौजी के टाइम तक होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को क्या कर लिया, डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर। पहला, कुप्रशासन के आधार पर, मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ना होना, कुप्रशासन के आधार पर, मल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर, और केवल मैसूर नहीं, मैंने बताया कुर्ग को और कछार को भी, मैसूर को इससे पहले सहायक संधि के जरिए शामिल किया था, जब टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी चौथे आंगल मैसूर वॉर में 1799 में, लॉर्ड बेलेजली, सब्सिडरी अलायंस। आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगों के दमन को किससे संबंध, किसने कहा ठगों का दमन किया? आपको पता है ठगी प्रथा, कैप्टन सिलीमैन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एमहर्स्ट। अभी हमने डिस्कस किया अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय, ये देखिए लॉर्ड एलनबरो, जिसको कहा जाता है ओल्ड मैन इन अ हरी, दास प्रथा खत्म की इसने, सिंध का विलय किया 1843 में। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय किसके टाइम में हुई, बताओ भैया, लॉर्ड एलन बरो, कब? 1843। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में डलहौजी ने, जो कहां से कहां तक चली, बंबई से ठाणे तक चली, है ना, बॉम्बे से 1853 में लॉर्ड डलहौजी। अगला, रॉबर्ट क्लाइव भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गलत, पहला गवर्नर था बंगाल का, क्लियर है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1833, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बोला जाना लगेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गलत, दूसरा सही हो गया, ओनली टू सही है, ओनली टू सही है। क्लियर है? सती प्रथा पे पाबंदी, विलियम बेंटिक, पता है आपको 1829, किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा, अभी मैंने पढ़ाया, लॉर्ड एलन बरो, दास प्रथा को इसने क्या किया? खत्म किया, लॉर्ड एलन बरो। अगला देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट 1793, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेंटिक सती प्रथा को खत्म किया 1829, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन 1854, मैग्ना कार्टा बुड डिस्पैच, लेकिन वो लॉर्ड कैनिंग नहीं है, लॉर्ड डल हॉजी है, तो ये भी गलत हो गया। और लॉर्ड नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग्स है। तो कौन सा मैच नहीं है? ए भी मैच नहीं है और डी भी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर प्रशासकीय आदेश जारी किया, मतलब प्लान डेवलपमेंट, नगरों का नियोजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए आंसर क्या है? बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने यह काम किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो आपको पता है 1853 में भारत में पहली रेलवे चली बंबई से ठाणे, है ना? और कौन था इस समय 1853 में? आपको पता है 48 से 56, लॉर्ड डलहौजी। अगला, भारत में पुलिस व्यवस्था कॉर्नवालिस, बिल्कुल बात अच्छी बात है, ICS एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म उसी ने किए। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था, जब पुलिस रिफॉर्म कॉर्नवालिस कर रहा है तो थानों की व्यवस्था इसके टाइम में तो नहीं होगी, तो आंसर दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? पहला सही हो गया। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सी भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई? बिल्कुल सही बात है। इनके शासन में भारत में विद्युत तारपत्र की शुरुआत हुई, अभी आपने देखा, भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग, ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए, देखिए डलहौजी के टाइम में, ये देखिए आप, भारत में पत्र संचार की शुरुआत होती है, कलकत्ता से डायमंड हार्बर पहली टेलीकॉम लाइन बिछाई जाती है, दूसरा पहली रेलवे लाइन यहां चलती है, और एक सेपरेट लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। ये दोनों तीनों पॉइंट मैंने यहां पे डिस्कस किए आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्या होगा भैया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये हुआ, इनके शासन में ये भी हुआ और ये भी हुआ। तीनों आंसर क्या हैं? ऑल ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इन सबको ऑर्डर में करेक्ट कीजिए। लॉर्ड बेलेजली का आपको पता है 1798 से 1805, क्लियर है? अगर मैं लॉर्ड एमस्ट की बात करूं तो आपको मैंने बताया 1823 से 1828 तक, लॉर्ज बार वो सॉरी जॉर्ज वॉर्लो 1805 से 1807, है ना, ये हमने पढ़ा। और इसके बाद आया कौन? और इससे पहले जॉन सोर हमने पढ़ा था, कॉर्नवालिस के बाद बेलेजली से पहले, तो ऑर्डर लगा लो, सबसे पहले कौन आया? जॉन सोर, तीसरा उसके बाद बेलेजली, है ना, जॉन सोर के बाद बेलेजली आया, ठीक है भैया, तो तीसरा चौथा आंसर हो गया बी, पहला दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड पॉलिसी मैंने पहले ही बताया, लॉर्ड ऑकलैंड
और किससे संबंधित है? अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर इसी के टाइम में होगा, अफगानिस्तान के संबंध में थी। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब इससे पहले के शासकों ने, फर्स्ट अफगान वॉर होगा इसी के टाइम में, एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842, इससे पहले के शासकों ने अफगानिस्तान पर हमला करने का विचार नहीं किया था। इसने पहली बार अफगानिस्तान की ओर ब्रिटिश शासन को बढ़ाने का आइडिया दिया, मतलब पहला वॉर लड़ा, फॉरवर्ड पॉलिसी, हालांकि ये फेल हो गया। क्लियर है? तो कौन सा है? लॉर्ड ऑकलैंड। अगला, किसके कार्यकाल में भारतीय प्रशासन की अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई? क्या नाम, क्या आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, प्रथम आंगल बर्मा युद्ध, हमने डिस्कस किया है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में होता है। प्रथम आंगल बर्मा मतलब म्यांमार युद्ध वॉर कब होता है? 1824 से 1826, जहां पर कौन सी संधि होती है? यांदबू की संधि होती है ना, ये डिस्कस किया है। और यंग वंग आंदोलन रहा 1824। ये तीनों किसके टाइम में हो रहे हैं? तो इस समय कौन है भैया, आपको पता है, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला, ब्रिटिश भारत में पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के समय, जिसने भारत में कानूनी संहिता का निर्माण किया, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का गवर्नर जनरल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, अभी मैंने डिस्कस किया, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगला, अंग्रेजों और महाराणा प्रताप, महाराणा रणजीत सिंह, जो पंजाब का शेर बोला जाता था उन्हें, अमृतसर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, 1809, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि ब्यास नदी के पूर्व में अंग्रेज रहेंगे और पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह जी का शासन होगा। आंसर क्या है? 1809। अगला, लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट आंगल एंग्लो अंग्रेज और नेपाल वॉर में अंग्रेजों को, जो 1814 से 1816 के बीच होगा, और इसके बाद 1816 में सुगौली की संधि होगी, ट्रीटी ऑफ सुगौली होगी, और इसके बाद सुगौली की संधि के बाद इन्हें मार्केस ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने नेपाल के साथ समझौता कर लिया, वहां पर एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने को राजी हो गए। इसका मतलब अंग्रेजों का इनडायरेक्ट रूप से वहां पर इंटरवेंशन नेपाल में शुरू हो गया। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद इनको कहा जाएगा। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जब हुआ 1824 में, लॉर्ड एमहर्स्ट, आंसर लगा दो। अगला, किस गवर्नर जनरल के समय भारत के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट, फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपना लिया गया, 1833 का चार्टर एक्ट, विलियम बेंटिक। अगला, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसे ओल्ड मैन इन हरी कहा जाता है भैया, लॉर्ड एलन बरो, डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854, कौन? लॉर्ड डलहौजी। बुड डिस्पैच है ना, लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्लियर है? व्यपगत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैप्स, किस गवर्नर जनरल, आपको पता ही है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली की सब्सिडरी अलायंस, कौन सा अलायंस? सहायक संधि नीति, सहायक संधि नीति है ना, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि नीति किसकी है भैया? लॉर्ड बेलेजली की, और लॉर्ड डलहौजी की है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? मैं लिख दे रहा हूं 1856। कौन था वायसराय? लॉर्ड डलहौजी के समय में, और किसके प्रयासों से आया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ये कानून लाया गया। सती प्रथा 1829 में खत्म कर दी। कौन था इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है भैया? लॉर्ड विलियम वेंटिक। क्लियर है? और किस समाज सुधारक के प्रयासों से? हमने पढ़ा, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, जो पेशावर से कलकत्ता तक आता है। क्लियर है?
शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसका नाम जीटी रोड किसने कर दिया, लॉर्ड एलन वरो, ये देख चुके हैं हम। ओल्ड मैन इन अ हरी, किस अधिकारी की रिपोर्ट पर डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में अवध को अपने राज्य में मिला लिया, मतलब हड़प लिया, और वो हमने लिखा था क्या, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। एक अधिकारी था आउटरम जो कहां पे बैठा हुआ था, अवध में बैठा हुआ था। आउटरम वो अधिकारी था जो सहायक संधि के अंतर्गत अवध में बैठाला गया था। सब्सिडी अलायंस किसका, बेलेजली का, उसकी रिपोर्ट के आधार पर किसको शामिल कर दिया, अवध को किसने, डलहौजी ने। अगला, डाकघर अधिनियम कब पारित होता है, तो डाकघर अधिनियम कब पारित होगा भैया, 1854, क्योंकि डाक पत्र और पत्र संचार ये सब 1854 में ही आएगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली डाक संचार की लाइन डाली जाएगी कलकत्ता में, है ना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। अगला, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1846 में स्टार्ट होगा, किसके टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और इसके बाद पंजाब का डलहौजी ब्रिटिश इंडिया में क्या कर लेगा, विलय कर देगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, क्लियर है, और विलय कर लेगा किसका, लॉर्ड डलहौजी, पंजाब का। तो आंसर क्या हो गया, डलहौजी। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में पहला राज, थ्योरी ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा पहला राज था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा, तो उस राज्य का नाम क्या है भैया, सतारा। क्या नाम है, सतारा। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, सबसे पहले 1848 में इसने सतारा को हड़पा, उसके बाद सेकंड नंबर पे 1849 में जैतपुर संबलपुर को हड़पा डलहौजी ने, जैतपुर एंड संबलपुर को हड़पा। 1850 में बघाट को हड़पा, बघाट। 1852 में इसने उदयपुर को हड़प लिया, क्लियर है, 1852 में इसने उदयपुर को, 53 में झांसी को, ये ऑर्डर था, झांसी से भी क्वेश्चन पूछा गया, कब हड़पा इसने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा आपने, क्लियर है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र गोद लिया था, और उसने कौन सी, ये जो थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसमें क्या था कि वो शासक वो राजा जिनका खुद का खून कोई पुत्र नहीं है, मतलब जिन्होंने अपने वंशानुगत नहीं है, मतलब वो पुत्र गोद लिया हुआ है और वो शासक के रूप में है, तो उसको शासक अंग्रेज नहीं मानेंगे, यही था इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, थ्योरी ऑफ लैप्स। और इस तरीके से जो झांसी था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो क्षेत्र था वो इसने, वो शासन जो था वो हड़प लिया था 1853 में। इसके बाद झांसी की रानी जी क्या करेंगी, युद्ध करेंगी 1854 में नागपुर, 1855 में करौली राजस्थान में, है ना, 1856 में अवध। इस तरीके से लास्ट में अवध को हड़पेगा आउटरम की रिपोर्ट पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा राज्य था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, हड़प नीति के अंतर्गत इसने हड़पा डलहौजी ने हड़पा तो, लेकिन मान्यता नहीं दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, किसको, करौली को, किसको भैया, करौली को, जिसे 1855 में इसने हड़पा था। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो लास्ट गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, प्रथम गवर्नर जनरल क्या इंडिया का, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में लगभग 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हिस्ट्री के, जो हम, और हमने कहाँ से कहाँ तक, जॉर्ज वॉर्लो से शुरू किया हमने, लॉर्ड वेलेजली के बाद, और लॉर्ड डलहौजी तक का हमने सेगमेंट इसमें हिस्ट्री का पूरा किया, जिसमें हमने अलग अलग इवेंट्स डिस्कस किए, उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर हिस्ट्री का 5वां लेक्चर हमारा जीएस सीरीज का ख़त्म होता है। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स के साथ अपनी सीरीज़ के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बना रहे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे जितना
आप हमें मोटिवेट करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम उतनी तेज़ी से नए वीडियोस को, नई नई सीरीज़ के नए नए वीडियोस को अपलोड आपसे यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से लेके हर सेगमेंट को हम जीएस के कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।